हाँ जी, तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, और हमने वो डिस्कस किया, और फिर अब हम आगे आ गए हैं एडोलेसेंस पे, जो कि है पांचवी स्टेज चाइल्ड डेवलपमेंट की, लास्ट स्टेज। इसके बाद आप चाइल्ड नहीं रहेंगे, इसके बाद आप हो जाएंगे अडल्ट। तो क्या क्या होता है एडोलेसेंस में, क्यों इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंस, क्यों इसके बारे में हमें स्टडी करनी है, सब हम देखते हैं एडोलेसेंस में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में अगर हम बात करें, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो अगर आपको याद हो, फिजिकल ग्रोथ हमेशा डिक्रीज होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा थी आपकी जब आप पैदा नहीं हुए थे, प्रीनेटल स्टेज में, फिर कम हो गई इन्फेंसी में, फिर कम हो गई अर्ली चाइल्डहुड में, और कम हो गई मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में। बट एडोलेसेंस में आके फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड फिर से बढ़ जाती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ की स्पीड फिर से बढ़ जाती है, और फिर थोड़ी बहुत नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके लिए एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट ग्रोथ, स्पर्ट ग्रोथ क्या होता है? अचानक से स्पीड बढ़ जाना। ठीक है, ये जो फिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में, जो इससे पहले नहीं हो रहे थे। हाइट तो अचानक से बढ़ती है, सब बच्चों की एडोलेसेंस में हाइट बढ़ती है। और जो एडोलेसेंस है, ये आपका स्टार्ट होता है लगभग 11 साल से लेके और चलता है लगभग 17 साल तक, 18 साल तक, वो हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो एडोलेसेंस क्या है, सबके लिए स्टार्ट होता है लगभग 10-11 साल से और चलता है 17-18 साल तक, और उसमें भी लड़कियों का थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लड़कों का थोड़ा देर से स्टार्ट होता है। तो एडोलेसेंस में फिजिकल ग्रोथ वाले फेज को कहा जाता है स्पर्ट ग्रोथ। यहां पे हाइट अचानक से बढ़ती है, बट सिर्फ हाइट नहीं बढ़ती है, फिजिकल डेवलपमेंट में हाइट बढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ आता है जो इससे पहले नहीं हो रहा था। एडोलेसेंस में होते हैं बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, एडोलेसेंस में होते हैं बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस, और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें डिफरेंस नजर आने लगता है लड़के और लड़की में। इससे पहले मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड तक क्या हो रहा था, लड़के और लड़कियां दिखने में एक जैसे थे, उनकी जो आवाज थी वो लगभग एक जैसी थी। बट एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट में जो अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आवाज बदलने लगती है, उसकी वजह से उनके जेंडर के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट का बढ़ना और बॉडी की शेप चेंज होना, आवाज का भारी होना, ये सब आने लगते हैं। तो इसी वजह से इसको बोला गया है स्पर्ट ग्रोथ, ये अचानक से होता है, ये सब अचानक से हमें नजर आने लगता है एडोलेसेंस में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पीड फिर से बढ़ गई है स्पर्ट ग्रोथ, और ये जो स्टार्टिंग हो रही है, जो नया फेज स्टार्ट हो रहा है, इसको बोला जाता है प्यूबर्टी, हिंदी में यौवनारंभ, प्यूबर्टी यौवनारंभ। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चों की फिर से ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है फिजिकल वाला, और बच्चे अब बच्चे नहीं रहेंगे, इस स्टेज के बाद वो बन जाएंगे अडल्ट। तो अब हो गया है प्यूबर्टी स्टार्ट, प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, अब आप एक युवक या युवती बनने वाले हो और उसका स्टार्टिंग हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो इसमें अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो पियाजे ने भी बताया है, और ये आपको पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे भी पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलेसेंस में होता है हाईएस्ट। तो अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा थिंकिंग कहां डेवलप होती है बच्चे की, आंसर इज एडोलेसेंस। अगर क्वेश्चन आए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है, आंसर होगा एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस में बच्चों की स्पीड सबसे ज्यादा होती है किसकी, थिंकिंग की, थिंकिंग के डेवलपमेंट की। बच्चे साइंटिफिक थिंकिंग तक डेवलप करते हैं इस एज के, और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पियाजे ने अपनी थ्योरी में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना याद रखिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड से होता है एडोलेसेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में दो फेज हैं, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब यहां पे हम दोनों की बात करेंगे, सोशल की भी और इमोशनल की भी। अब ध्यान से सुनिए, पिछली स्टेज में हमने देखा कि टीचर्स का रोल कम होने लगता है और पीयर्स का रोल, अपने जो उनके फ्रेंड्स हैं उनका रोल बढ़ने लगता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में जो सोशलाइजेशन हो रहा है, जो हम मेनली पढ़ते हैं, तो सोशलाइजेशन जो है, जहां पे बच्चा दुनिया के बारे में सीखता है कैसे बिहेव करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये मेनली एडोलेसेंस में मेनली पीयर्स की वजह से होता है। तो आप कह सकते हो कि एडोलेसेंस में सोशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पीयर्स की वजह से होता है।
तो अगर क्वेश्चन आए किस एज में सबसे ज्यादा रोल होता है पीयर्स का, जब बच्चा टीचर की बात नहीं सुनता, जब बच्चा फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को ज्यादा ऊपर रखता है, उनकी थिंकिंग को, उनकी राय को ज्यादा ऊपर रखता है, बच्चा पेरेंट्स की नहीं सुनता, पेरेंट्स से बल्कि बचते फिरते हैं एडोलेसेंस के बच्चे, वो पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स टोकेंगे, और उनको लगता है सिर्फ फ्रेंड्स ही है हमारे जो हमारी बात सुनते हैं और समझते हैं, तो वो है एडोलेसेंस में जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है पीयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है उनके साथ पढ़ने वाले उनकी एज के और बच्चे, ठीक है। तो पीयर्स का रोल ज्यादा हो जाता है, बाकी सब ऑलमोस्ट निल हो जाता है, ऑलमोस्ट अनइंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पीयर्स है सबसे इंपॉर्टेंट एडोलेसेंस में। अब बात करते हैं इमोशंस की। इस स्टेज में बच्चों के इमोशंस में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव होता है, बहुत जल्दी इमोशंस उनके ऊपर नीचे होते हैं, और इसको बोलते हैं इमोशनल अपहीवल। इमोशनल अपहीवल होता है इमोशंस का ऊपर या नीचे होना, मतलब इमोशंस का बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना। तो आपने देखा होगा एडोलेसेंट बच्चों का मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ये है एडोलेसेंट स्टूडेंट्स की खास बात कि इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, और ये है इमोशनल अपहीवल। इनके इमोशन कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, इन दोनों के पीछे ही जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है और बच्चे का जो इमोशंस बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो रहे हैं, इन सबके पीछे रीजन है हॉर्मोन्स, जो कि बहुत ज्यादा चेंज होते हैं एडोलेसेंस में। तो हॉर्मोन्स के चेंज की वजह से इमोशनल अपहीवल भी होता है, और हॉर्मोन्स के चेंज की वजह से ही बहुत ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। अब इस स्टेज में होता क्या है, देखिए एडोलेसेंस वो फेज है जो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फेज मानी जाती है। रीजन क्या है, इससे पहले आप बच्चे थे, एडोलेसेंस से पहले चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड में थे आप बच्चे, और इसके बाद आप बन जाओगे अडल्ट। तो चाइल्ड से अडल्ट बनने का फेज है आपका एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस जो है चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाने का रास्ता है, तो एडोलेसेंस को इसलिए बोला जाता है ब्रिज। एडोलेसेंस क्या है, ब्रिज, ध्यान से सुनिएगा, एडोलेसेंस है ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो एडोलेसेंस है ब्रिज, और इस ब्रिज को पार करना बहुत मुश्किल है। जो इस ब्रिज को बहुत अच्छे से पार कर ले, चाइल्डहुड से अडल्टहुड पे बहुत अच्छे से पहुंच जाए, मतलब उसका एडोलेसेंस अच्छा है, तो उस इंसान की पर्सनालिटी आगे तक जाके ठीक रहती है। बट अगर किसी की एडोलेसेंस में प्रॉब्लम आई लाइफ के साथ, पर्सनालिटी के साथ, तो इसमें बच्चा गलत रास्ते पे भी जा सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम जो लोग क्राइम की तरफ या बैड हैबिट्स की तरफ जाते हैं वो सब इस एज में एडोलेसेंस में होता है। तो क्राइम की तरफ जाना, बैड हैबिट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब डेवलप करना, ये सब होता है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस है एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड, और यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है बच्चों का। अब इस एज के स्टूडेंट से आपको डील भी करना पड़ेगा, आप स्कूल में पढ़ाओगे तो एडोलेसेंस के बच्चे जो होंगे वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं डील करने में। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़का बाकी बच्चों के कंपेरिजन में जल्दी एडोलेसेंस में पहुंच गया, वो लड़का पूरी क्लास में मॉनिटर या दादा बन के घूमता है, भले ही उसको किसी ने मॉनिटर ना बनाया हो, सारे जो और बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में जिनकी हाइट छोटी है क्योंकि वो चाइल्डहुड में और ये एडोलेसेंस में है, जो कि कम मैनेज कर पाते हैं सिचुएशन को, ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं अपनी थिंकिंग की वजह से, एडवांस थिंकिंग की वजह से, तो ये मैनेज करने के लिए पूरी क्लास में मॉनिटर या दादा बन के घूमते हैं, और ऐसे बच्चे आपकी क्लास में मिलेंगे आपको, और आपको उनको हैंडल करना सीखना होगा। तो एडोलेसेंस की स्टडी करना या ओवरऑल पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस की स्टडी करना हमें वहीं पे हेल्प करता है कि हमारी क्लास में कैसे बच्चे हैं और उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, उनकी सिचुएशन के साथ हमें कैसे डील करना है। तो ये थी स्टेजेस चाइल्ड डेवलपमेंट की, और यहाँ पे जो एडोलेसेंस है इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, क्योंकि इस स्टेज में सबसे ज्यादा अजीब अजीब सी परेशानियां बच्चों को आती है जो इससे पहले नहीं आई, तो इस स्टेज को कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। एज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, और ये कहा है जी स्टैनले हॉल ने। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसको कहा गया है और किसने कहा है। तो ये एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है एडोलेसेंस को, और ये कहा है जी स्टैनले हॉल ने, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसमें होता है। बाकी स्टेजेस के बारे में हम आगे पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो आज हमने खत्म की बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस, और आगे हम मिलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की और वीडियोस में, तब तक आप यहां तक अपना रेडी कीजिए, ठीक है। तो आगे हम स्टेजेस और भी पढ़ेंगे, बट इधर नहीं, पर्टिकुलरली थ्योरीज में। यहां तक हमारा बेसिक चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस खत्म हुई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते।